तो बच्चों, जैसा मैंने आपको बोला था, मैं आपको मोटिवेशनल वीडियो सीरीज हमारी स्टार्ट हो रही है और आज मैं अपनी मोटिवेशनल वीडियो सीरीज जो आपके सी एग्जाम्स मई 23 और नवंबर 23 के एग्जाम्स को क्रैक करने में हेल्प करेगी, मेरी ये पहली वीडियो है और मैं अपनी पहली मोटिवेशनल वीडियो सीरीज अपने रिंकू, जो रिंकू सिंह है, जिन्होंने आईपीएल के अंदर बहुत ही बेस्ट परफॉर्मेंस दे करके, और वो कैसी परफॉर्मेंस उन्होंने दी है वो आप उनके खुद अपने मुंह से सुनिएगा। उनके इंटरव्यू को मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो शेयर कर रहा हूँ और जो उसके अंदर बोला गया है, उन्होंने बोला है बिलीफ, अगर आप अपने आप में बिलीव कर सकते हैं देन एब्सोल्युटली यू कैन क्रैक द सी एग्जाम्स, और मई 23 के एग्जाम्स में आप डेफिनेटली क्रैक कर सकते हो। अगर रिंकू कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। तो जरा सुनिएगा वो क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट क्लिप उन्हीं की मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और ऐसी रोज मोटिवेशनल वीडियो आपके सी एग्जाम्स तक मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। डेफिनेटली आपने एग्जाम्स में क्रैक करेंगे। तो मैं अपनी मोटिवेशनल वीडियो सीरीज का पहला पार्ट वन स्टार्ट कर चुका हूँ, तो प्लीज़ नेक्स्ट क्लिप आप जरूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। थैंक्स अ लॉट। 7 गेंदें खेली आपने, उसमें 40 रन बनाए, ये चीज़ें होती नहीं क्रिकेट में, आपने आज वो चीज़ें की हैं। नहीं नहीं सर, एक बिलीव था अंदर के कि मैं कर सकता हूँ, क्योंकि लास्ट ईयर भी वही एक ही नहीं खेली थी लखनऊ वाली, वहाँ पे भी एक बिलीव था, आज भी एक बिलीव दिखाया था। राणा भाई ने बोला कि बिलीव रखियो और लास्ट तक खेलियो, देखते हैं क्या होता है। मुझे मेरे हिसाब से कि सबसे इम्पोर्टेंट सिंगल जो होता है ना आईपीएल में, वो उमेश यादव ने लिया। हाँ बस सर, हम तो ट्राई कर रहे थे लगने की कि लग जाएगा छक्का, मगर भैया ने भी अच्छा साथ, भैया कह रहे थे कि लगा रही कुछ सोचियो, जैसा बॉल आ रहा वैसे ही खेलियो। थोड़ा अंदर की बात बताए कि आप वहाँ पर खड़े हैं, यश दयाल गेंदबाजी करे, 29 रन बनाने आपको, तो क्या सोचती और हमेशा बॉल फेस करने के पहले क्या मन में एक क्लियर विचार था? नहीं नहीं सही बताऊं तो सर, मैं कुछ ऐसा सोच नहीं रहा था, जैसा बॉल आ रहा था वैसे ही खेला था, मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि 5 छक्के मार दूंगा, वो सर लगते चले गए, एक बिलीव था और मैच जीत गए। लेकिन आखिरी गेंद जो उन्होंने डाली, अच्छी गेंद थी वो, उस पे भी छक्का मारा आपने। हाँ सर, वो बैक ऑफ द हैंड गेंद थी, वो तो बैक फुट से छक्का मारा था। वेल डन, एंजॉय कीजिए और आपकी तरक्की होती रहे, करियर एक लंबा चले, ऑल द बेस्ट।